Chinwara district is home to the Pench Tiger Reserve. So it sits in the Tiger Belt. And our partners, WWF and Shridran, work with over 6,000 tribal farmers there in working on production of organic cotton as well as finding markets for them. So we really thank both Sangeeta Kumare and Ankush Patil for joining us today here on this very important platform. आप लैक्मे फैशन वीक में मुंबई गए थे, किस लिए गए थे और क्या उद्देश्य था? लैक्मे फैशन वीक में गए लैक्मे फैशन वीक में हम गए थे, हमारा उद्देश्य था जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके हम। क्या उम्मीदें हैं सरकार से, वहाँ क्या क्या आपने देखा और क्या खास अनुभव आप करा? वहाँ पे जब हमने देखा कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं जैविक खेती का, उससे बने हुए कॉटन की जो ड्रेस डिज़ाइन होती है उसमें पर्टिकुलर अगर कॉस्ट देखा जाए तो एक ड्रेस की कॉस्ट 15,000 थी और हमारे यहाँ 50 रुपये केजी के हिसाब से कपास बेच देते हैं। तो ये जो ब्रो गैप है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गैप है और ये इससे अगर दूर होता है तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनपुट कॉस्ट जो लागत मूल्य हो जाता आता है उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बट जैविक खेती में ऐसा नहीं है, जैविक खेती में इनपुट बहुत कम है बट प्रोडक्शन भी बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम है और इसी वजह से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। और जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो किसान करेगा क्या? कहीं ना कहीं उस गैप को, जो इनपुट कॉस्ट और जो प्रोडक्शन का जो गैप है उसको अगर मेंटेन कर ले आप लोग सब, तो कहीं ना कहीं जैविक के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे और लार्ज लेवल पे करेंगे। मुंबई में मॉडलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, तो जैसे कि जैविक कपड़ों को लेके क्या अंतर है, आम कपड़े और रासायनिक वाले कॉटन के कपड़े और जैविक कपड़ों में क्या अंतर है? जैविक कपड़ों में एक सॉफ्टनेस अलग से समझ में आती है और रासायनिक कपड़ों में एक रेड एकदम रफ जो होता है कपड़ा, आप जितना अच्छा कपड़ों का जो पहनोगे उतना अच्छा लगेगा, बट वो एक सॉफ्टनेस जैविक कॉटन की वो अलग होती है। क्या फ़र्क है दोनों में अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखें? आप इस तरह मैंने इमेजिन नहीं कर सकते, आपको उसको पहनने के बाद समझ में आएगा, उसमें आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। रासायनिक कपड़ों में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस मिलते हैं, पर जैविक खेती में आपको ये सब नहीं मिलेगा। जैविक खेती में जो स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। गवर्नमेंट से क्या डिमांड? बहुत सारी डिमांड है गवर्नमेंट से, अगर हमें प्रोडक्शन हमारा बहुत कम होता है जैविक खेती में, अगर और रासायनिक खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वैसे इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और यही अगर रासायनिक खेती का और जैविक खेती का अगर ये गैप मेट हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पर सपोर्ट करेगी तो कॉस्ट।